जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। 3 दिन लगातार हुई रैलियों में कुछ को सफलता मिली तो कुछ को और सफलता हाथ है, मगर दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत टेंशन जरूर लेकर आए हैं। 12 नवंबर को नॉमिनेशन भरने हैं, दिवाली की छुट्टी आएगी, उससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में दोनों ही पार्टियां कम से कम प्रत्याशी के नाम उजागर करेगी, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक बड़ी पार्टियों को डर है कि अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है, अगर उसको टिकट नहीं मिला, वह बागी होकर हनुमान बेनीवाल या घनश्याम तिवाड़ी या फिर चंद्र सिंह जी या फिर अन्य पार्टी के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ने, और अगर ऐसा होता है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि हालात एक वोट बहुत कीमती वाला चल चुका है। पार्टियां दोनों ही किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं चाहती है। उधर आप पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। माना जा रहा है कि आप पार्टी के 2 से 3 सीटें आ सकती है। वहीं सोमवार की हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवाड़ी की रैली के बाद यह चीज सामने आ चुकी है। भले ही यह लोग सीट न निकाल पाए, पर भाजपा और कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से परेशान कर देंगे। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी दफ्तर हो या कांग्रेस का, हर जगह दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। बीजेपी में जहां जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में सीएम राजे के बंगला नंबर 13 में आरएसएस के दफ्तर के बाहर समेत आधा दर्जन जगहों पर बीजेपी टिकट दावेदारों की होड़ लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस में जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में सचिन पायलट के घर के बाहर और एआईसीसी में अशोक गहलोत के कमरे के बाहर, वहीं शैलजा कुमारी अविनाश पांडे सहित सभी का निवास ऑफिस के बाहर कांग्रेस के दावेदारों की होड़ मची हुई है। अब देखना यह है किसको टिकट मिलेगा, और अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा तो वह बागी होगा, और बागी होकर किस किस को परेशान करेगा।